दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल गुरबिंदर फोन्स पर। दोस्तों आज हम आए हैं दिल्ली मनाली हाईवे के ऊपर, जो कि सेक्टर 108 मोहाली के अंदर आता है। बिल्कुल हाईवे के ऊपर हमारी सोसाइटी आ जाती है, जो कि बिल्कुल गेटेड है। सीसीटीवी कैमराज हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर पूरे तैनात रहते हैं। इसके अलावा जो रोड्स हैं वो आपकी काफ़ी वाइड हैं, वायरिंग जितनी भी रहेगी सारी की सारी अंडरग्राउंड रहेंगी। स्ट्रीट लैम्प, स्ट्रीट लाइट्स सारी अच्छे से एक्टिव हैं, काम करती हैं पूरी। गार्डन्स हमारे यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े हैं, 3-3 एकड़ के पार्क्स हमें यहाँ पूरे मिल जाते हैं, और पूरी प्रॉपर एक अच्छी सोसाइटी वाली फीलिंग जो है यहाँ पूरी आती है। और उससे खास चीज़ यहाँ पर एक और है, जो हम आज घर देखने आए हैं वो उससे भी लाजवाब एक शानदार घर, 400 स्क्वायर यार्ड का एक विला है आज। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप नए हैं चैनल पर या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोज़ हैं उससे आप अपडेट रहें। तो दोस्तों आपके सामने बेहद शानदार विला है आपका, पूरे 400 गज के अंदर बना हुआ है, और एक अच्छी लोकेशन, अच्छी सोसाइटी आपको यहाँ पूरी मिलती है। काफ़ी अच्छी विड्थ है इस घर की, पूरे 41 फीट की आपकी विड्थ रहेगी। काफ़ी अच्छा आपको जो है बाहर के बम मिल जाते हैं, उसके अलावा ये ग्रीन एरिया जहाँ पर हम इसे मेंटेन कर सकते हैं। 60 फीट की वाइड रोड हमें यहाँ पर मिलती है, पूरी पूरा वाइट हाउस है हमारा। बता दूँ आपको, घर हमारा पूरा कंप्लीट नहीं है, अगर इसके अंदर आप कंप्लीशन चाहते हो तो पूरी हो सकती है। तो 41x87 आपकी जो रहेगी डायमेंशंस रहेंगी, और यहाँ पर हमारे पास पार्किंग एरिया काफ़ी अच्छा आएगा, 32x11 का, और इस तरफ भी आपको काफ़ी अच्छी पार्किंग मिल जाएगी। डबल एंट्रेंस रहेगी और बिल्कुल अमेजिंग डिज़ाइन, शानदार लग्जरी डिज़ाइन, फॉरेन स्टाइल के अंदर घर कुछ कुछ बनाया गया है यहाँ पर। और अगर मैं इस तरफ से आपको ले चलता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर जो है सीधा सीधा आपकी जो आराम से दो सेडान्स गाड़ियाँ इस तरफ लग जाएंगी, दो दूसरी तरफ। काफ़ी अच्छा फ्रंट डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया। मेन एंट्रेंस जो हमारी रहेगी 5.5 फीट की रहेगी, काफ़ी अच्छा विड्थ है इसकी, और हाइट आपकी हर डोर की 8 फीट की रहेगी। तो इसे एंटर करके मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी मेन एंट्रेंस, तो मैं अभी थोड़ी देर में वीडियो को पॉज करके आपको सीधा ले चलता हूँ अपनी मेन फ्रंट की तरफ, और वहाँ से हम बढ़ेंगे ड्राइंग रूम की तरफ से अंदर। और ये हमारे घर का फ्रंट आ गया, काफ़ी अच्छा यूनिक डिज़ाइन है, बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन है ये, बिल्कुल एक और फॉरेन आर्किटेक्ट के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। इसे आपने इससे पहले शायद ही ऐसे डिज़ाइन देखे हो। काफ़ी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं पूरी, आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक पूरा का पूरा टफन ग्लास यहाँ पर लगा हुआ है, और काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पर मैनेज की गई है। और ये हमारी सेकेंड एंट्रेंस है, जो कि बिल्कुल सीधा आपको ड्राइंग एरिया के अंदर ले चलती है, और रूफ़ की हाइट भी काफ़ी अच्छी रहेगी, आपको पूरी 10.5 फीट की रूफ़ मिलेगी यहाँ पर, सीलिंग की हाइट मिलेगी। काफ़ी अच्छा मेन एंट्रेंस डोर आपका एक अच्छी हाइट के साथ ओपन करते हैं और बढ़ते हैं अंदर की तरफ। और जैसे हम अंदर खोलते हैं तो हमारे पास एक बड़ा सा हमारा ड्राइंग एरिया आ जाता है। काफ़ी अच्छी स्पेस आपको यहीं से नज़र आनी शुरू होगी होगी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि 400 गज है तो काफ़ी अच्छी स्पेस होती है 400 स्क्वायर यार्ड। पूरी जो इसकी डायमेंशन रहेगी हमारे इस ड्राइंग एरिया की, आपका 27 फीट की जो लेंथ रहेगी और जो विड्थ रहेगी वो आपकी 15 रहेगी, सिर्फ आपका ड्राइंग एरिया। जी हाँ, बहुत ही अच्छी स्पेस यहाँ पर मैनेज की गई है आपका, जो देखिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि आपको ओवरवर्क कहीं लगा मिले यहाँ पर। नीचे आपकी जो टाइल्स हैं सारी की सारी डबल चार्ज बैटरीफाइड टाइल्स हैं, और देखने में कुछ ऐसा लगता है जैसे इटालियन मार्बल यहाँ पर लगा हो। काम जो किया काफ़ी अच्छे से किया गया, आपको यहाँ पर पाउडर रूम मिल जाता है या फिर आपके लिए गेस्ट के लिए एक वॉशरूम। यार इस घर के अंदर ना हमें दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं, अगर हम एज इट इज इसे लेना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हम काम करवाना चाहते हैं तो वो भी पूरा कंप्लीट होके मिल सकता है। और ये हमारा जो आगे डाइनिंग एरिया 20x19 का, आप इजीली यहाँ पर बड़े से बड़ा अपना डाइनिंग टेबल लगाइए और कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती यहाँ पर। काफ़ी अच्छी स्पेस है, और स्पेस को अभी इस हिसाब से रखा, आप जैसे मैनेज करना चाहते हैं आप उस तरह से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी कोई भी चीज़ अलग से की नहीं गई है, तो आपके मन मुताबिक यहाँ पर चेंजेस हो सकती हैं। और ये स्टेज आपके अंदर से जो कि ऊपर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाती है, और ये आपकी वो एंट्रेंस जो हमने उस तरफ से देखी थी फर्स्ट एंट्रेंस, ये आपके बड़ी सी खिड़की, और इस तरफ आपका दरवाज़ा, ये 5.5 फीट का दरवाज़ा है आपका, काफ़ी अच्छी विड्थ है इसकी। और जितनी भी आपके डोर्स हैं वो सारे टीक प्लाई के साथ आपको डोर्स यहाँ मिलते हैं। ये क्या पार्किंग एरिया है, सीधी आपकी रोड, दो गाड़ियाँ आप इस तरफ खड़ी कीजिए, दूसरी दो गाड़ियाँ दूसरी तरफ, और सामने जो बम है उस वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी स्पेस है। 60 फीट की रोड है,
तो आपको इस घर के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, या पार्किंग की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। चाहे जितने मर्जी गेस्ट आए, कोई फंक्शन हो, पार्टी घरों में हो, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम, डोर काफी अच्छा है, काफी बड़ा डोर आपको मिल जाएगा हर रूम में। और ये आपका वॉशरूम, और वॉशरूम की तो यार बात करें तो 13x6.5, जी हाँ 13x6.5 के आपको वॉशरूम्स मिलेंगे, बड़े बड़े वॉशरूम मिलेंगे पूरे घर के अंदर। यहाँ पर काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस के टाइल्स यहाँ पर लगी हुई हैं, एक यूनिक डिज़ाइन आपको यहाँ पर दिया गया है। वॉल हैंगिंग हमारी सेट्स रहेंगी, टाइल्स नीचे काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की रहेंगी। पूरे घर के अंदर जो वर्क है वो आपको क्वालिटी वर्क मिलेगा, कहीं पर भी कॉस्ट कटिंग नहीं आपको नज़र आएगी, प्रॉपर ब्रांड के साथ डिज़ाइन पूरा आपको यहाँ पर मिलेगा। एक खिड़की काफ़ी अच्छे साइज़ की, एक अच्छा सा वॉश बेसिन आपका पूरे ब्रांड के साथ, और एक अच्छी प्लेटफॉर्म एक आपका अच्छा सा बना दिया गया है, शेल्फ आपको दी है, उसके ऊपर जो है आपका वॉश बेसिन रखा है, तो लुक जो है काफ़ी अच्छी आ जाती है। क्योंकि साइज़ बड़ा हो वॉशरूम का तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। और दोस्तों जो ये वाला एरिया है, जो वाइट टॉप को टाइल्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं, यहाँ पर आपकी वार्डरोब्स आ जाएंगी। सो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी वार्डरोब्स होंगी वो आपके रूम में नहीं आएंगी। तो अगर मैं रूम के साइज़ की बात करूँ तो रूम का साइज़ रहेगा आपका 17x12, काफ़ी अच्छा साइज़ है, खुला डुला सा साइज़ है। और 17x12 में आपकी वार्डरोब्स नहीं आएंगी, तो ये जो स्पेस है सिर्फ आपके अपने लिए, आप जैसे इसे यूज़ करना चाहते हैं वैसे कीजिए। बेड के साथ टेबल रखिए या एक सोफ़ा रखिए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे इसे यूज़ कीजिए। सारी की सारी नीचे वुडन टाइल्स आपको पूरे रूम्स में अंदर मिलने वाली हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ हमारा सेकंड बेडरूम, सेम आपके जो यहाँ पर नीचे टाइल्स रहेंगी वुडन टाइल्स रहेंगी 17x12 का सेम साइज़, काफ़ी अच्छा साइज़ यहाँ पर हर जगह मेंटेन किया गया है। ये खास चीज़ है, देखिए घर सिर्फ साइज़ बड़े होने से बात नहीं होती, अगर उसके अंदर रूम साइज़ आपके बहुत अच्छे निकल रहे हैं तो ये खास चीज़ होती है। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, हर जगह से आपकी जो लाइट है पूरी आपके रूम के अंदर आती है। और इस घर के अंदर सच में हमें ऐसा महसूस हुआ ही नहीं कि हमें लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत है। ठीक, इस तरफ हमारा अटैच वॉशरूम, और इसका साइज भी बहुत शानदार साइज 17x7। आप खुद अंदाजा लगाइए, इतने बड़े बड़े वॉशरूम एक शाही तरीके के साथ जो रहने का अंदाज होता है ना, वो हमें इस घर के अंदर पूरा मिलने वाला है। और इस वॉशरूम में भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, वॉल हैंगिंग सीट रहेगी, डिजाइनर आपके टैप्स यहाँ पर सारे रहेंगे, काफी अच्छे टाइल्स का कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिल जाता है हमें। सिंक आपका हैंगिंग रहेगा शेल्फ के ऊपर, और ठीक जो है इस तरफ आपके पास जो स्पेस आ जाएगी हमारी अलमीराज की, और जैसे आप अलमीरा यहाँ बनाना चाहते हैं वैसे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक अच्छा साइज़ है तो यहाँ पर कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और जिस हिसाब से अलमीरा बनाएंगे उस हिसाब से आपके जो वॉशरूम के जो डोर्स हैं वो आप बनाएंगे। और ठीक, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास इस तरफ आ जाता है हमारा नेक्स्ट बेडरूम या फिर थर्ड बेडरूम इस घर का। काफ़ी अच्छा साइज़ 17x12, अगेन वही सेम साइज़ रिपीट किया काफ़ी अच्छे तरीके के साथ। एक बड़ी सी खिड़की आपको हर बेडरूम के अंदर मिल जाती है, और पूरी लाइट, नेचुरल लाइट जो है पूरे रूम के अंदर आती है, पूरे घर के अंदर आती है अच्छे से। सीलिंग पर आपको लैंप सारे मिल जाएंगे। और ठीक, इस तरफ हमारा जो वॉशरूम, एक अच्छा कॉन्सेप्ट, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे यूज़ किए गए हैं। 14x17 का आपको जो पूरा यहाँ पर वॉशरूम मिलने वाला है, साइज़ में कहीं पे कोई कमी नहीं है आपके, यहाँ पर काफ़ी अच्छे साइज़ आपको मिल जाते हैं हर चीज़ के अंदर, कहीं पे कॉस्ट का जो कटिंग होती है वो आपको कहीं नज़र नहीं आती। तो बता दो यार कि जो घर बना रहे थे वो अपने लिए बन रहा था, तो किसी वजह से जो है अब ओनर यहाँ पर नहीं रह पा रहे हैं, तो इसलिए इसे सेल पर लगाया गया है। तो अगर आप इसे लेते हैं तो आप जैसे इसे चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, काफ़ी हैवी काम इस घर के अंदर पूरा किया गया है। और आप समझ सकते हैं डिज़ाइन देखकर ही, जो इसका लेआउट डिज़ाइन है ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, नॉर्मली हमें ऐसी चीज़ें हर जगह नहीं मिलती। ये बनाया इसी तरह हिसाब से गया था कि एक फॉरेन आर्किटेक्ट की तरफ से। और यहाँ पर हमारा किचन आ जाएगा, वो भी काफ़ी अच्छा साइज़ है, 13x12 का किचन, काफ़ी अच्छी स्पेस आपको यहाँ मिल जाती है। कैबिनेट्स आपके बनने अभी बाकी हैं इसके अंदर, इन टैप्स हैं, जो शेल्फ है वो पूरी बनाई गई है, ग्रेनाइट आपको पूरा लगा हुआ मिल जाएगा शेल्फ पे, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। डीप आपके सिंक मिलेंगे, डिज़ाइनर टैप्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। और ठीक सामने हमारे पास खिड़की, और इसके सामने भी आपको
ग्रेनाइट की स्लैब यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर अपना ज़रूरी होता है यार, जो घर के अंदर हमारा डिश वॉश होती है या सर्फ वगैरह होता है नीचे गिरता रहता है, तकरीबन तो यही स्पेस होती है रखने के लिए। तो प्रॉपर आपको जगह मिलेगी हर चीज़ की यहाँ पर। वैसे भी इतनी बड़ी किचन हो तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, आप जिस हिसाब से इसको चेंज करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो बन सकता है। अभी जो इसकी सिचुएशन है वो ऐसी है कि हम जिस तरीके से भी इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं वो आराम से हो जाएंगी, पूछने की सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक इंटीरियर डिजाइनर और पूरे घर का नक्शा चेंज। और इस तरफ हमारे पास हमारा बैकयार्ड आया था, काफी अच्छी स्पेस है, आपके देख सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पे हमें शेल्फ मिलेगी, आप अपने डिशेस को बाहर वॉश करें या अंदर वॉश करें, स्पेस हमारे पास पूरी है। टैब्स अलग से मिल जाएंगे आपकी वॉशिंग मशीन के लिए, जितनी मर्जी आप वॉशिंग और क्लोथिंग इसी स्पेस पर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो जगह है वो बहुत ही खुली डुली है। यहाँ पर पूरे 41 फीट की इसकी लेंथ रहेगी और 15 इसकी विड्थ रहेगी, तो हमारे पास काफ़ी अच्छी स्पेस है। एक तरफ हम ग्रीन एरिया मेंटेन करने के बाद भी हम इसे बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और एक छोटा सा वॉशरूम हमने बाहर भी रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आपके फ्रेंड्स आपके साथ आते हैं शाम को महफिल लगाने, तो ये गार्डन में आप अपनी चेयर्स रखें और मज़े लें इस लोकेशन पे। पूरा सोचकर इस चीज को बनाया गया है, एक अच्छे डिजाइन के साथ, एक अच्छे मोटिव के साथ। और ठीक है, इस तरफ हमारी स्टेयर्स काफी अच्छे बड़े बड़े स्टेप्स हैं इसके। माफी चाहूंगा कि जो फुट वाली स्पेस है वो काफी अच्छी है और जो हाइट है वो बड़ी कम है, तो अच्छे स्टेप्स हैं और अच्छी स्पेस हमें ऊपर नजर आती है। तो अगर आप थके हुए भी हैं घर में या फिर हमारे पेरेंट्स हैं घर में, तो ऊपर नीचे होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर इजीली अप डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे घर हो तो आपको जो है कभी भी वेंटिलेशन की या फिर लाइट की कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें ऊपर भी जो है स्पेस काफी अच्छी मिल जाती है, लॉबी वाला एरिया हमें पूरा मिलता है। ये 16x15 का आपको पूरी स्पेस यहाँ मिलती है, इसीलिए यहाँ भी आप चेयर्स लगाकर बैठ सकते हैं। हर जगह पर ना एक स्पेस रखी गई है ताकि आपके लिए, ताकि आप जैसे भी उसे यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हर वक्त अपने रूम के अंदर बैठना भी किसी को पसंद नहीं होता, हम थोड़ा सा कभी कभी मन होता है कि बाहर की तरफ भी जाएं। और यहाँ पर हमारे घर का फोर्थ बेडरूम, पूरा घर जो रहेगा आपका 4 BHK रहेगा और इसके साथ एक 7 क्वार्टर आपको मिल जाता है। 17x12 की आपको जो यहाँ पर डायमेंशन मिलेगी हमें इस बेडरूम की, सेम हमें जो फ्लोरिंग सारी मिलेगी वुडन डिज़ाइन के साथ टाइल्स आपको मिलती हैं। काफी अच्छा डिजाइन, काफी अच्छा साइज, और ठीक इसके साथ में आपको जो है वॉशरूम की स्पेस पूरी मिल जाती है। यहाँ पर सेम जैसे हमने नीचे देखा था पूरा सेम वॉशरूम यहाँ पर 13x6.5 का आपको मिल जाएगा, और काम लेकिन इसका भी बाकी है थोड़ा सा। और जैसे यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ आते हो यहाँ पर हमारे पास एक ओपन स्पेस आ जाती है। तो ये वो घर है जहाँ पर आप अपने जो मन के ख्याल होते हैं या फिर जो मन के चाह होते हैं जिसे बोलते हैं हम, वो आप यहाँ पर पूरे कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। पूरे घर के अंदर आपको हर तरफ से ओपन स्पेस पूरी दी गई है, और ये चीज़ हमें चाहिए होती है ओपननेस हम लाइफ के अंदर, जो हम हर जगह ढूंढते रहते हैं। काफ़ी अच्छा साइज बालकोनी का, जब यहाँ पर आपकी जो है ग्लास रेलिंग पूरी लग जाएगी तो उसके बाद जो इसकी लुक होगी वो बिल्कुल डिफरेंट ही आने लग जाएगी, अलग चीज़ आपको नजर आएगी। ये बिल्कुल वैसे घर है जिनको हम बोलते हैं बिल्कुल यूनिक हाउस, एक अलग ही डिजाइन के साथ तैयार किया गया। देखो पूरी स्पेस कवर नहीं की है, लेकिन एक अच्छी स्पेस हर जगह दे दी गई है। आप किसी भी लोकेशन पर हो, पूरे घर में आप रहने का मजा लेंगे इस घर के अंदर। और ठीक इस तरफ हमारे पास अगेन एक ओपन स्पेस आ जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपने कवर करना है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज आप ओपन रखिए और मजे लें इस घर का पूरा। और ठीक इस तरफ हमारा 7 क्वार्टर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, प्यार हमें ऐसे देते रहिए। और मैं आपको ज़रूर मिलूँगा एक बार फिर एक नए घर के साथ, एक अच्छे डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लूँगा, आपका दोस्त गुरविंदर, सत श्री अकाल।